आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। पृथ्वी की कक्षा छोड़ चंद्रयान 2 निकला चांद के सफर पर। 20 अगस्त को यह चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। कहीं से नहीं मिला समर्थन, बौखलाए पाकिस्तान को अमेरिका की दो टूक। कश्मीर द्विपक्षीय मामला। इंदौर से पकड़ा गया जमात उल मुजाहिद का आतंकी, वर्धमान विस्फोट का भी है आरोपी। मध्य प्रदेश के विकास की पोल खोलती तस्वीर, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे। और पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, राखी से पहले पुलिस वाला भाई और नक्सली बहन आमने सामने। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। आज की खास खबर में चंद्रयान 2 चांद के सफर पर निकल गया है। बुधवार अल सुबह इसने धरती की कक्षा छोड़ दी और रवाना हो गया चांद के उस सफर पर जिसका सभी को इंतजार था। 20 अगस्त को यह चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा और वहां भी एक के बाद एक कक्षाएं बदलते हुए चांद की धरती पर उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार चंद्रयान ने रात 2:21 पर धरती की कक्षा छोड़ी और लूनार ट्रांसफर ट्रेंजेक्ट्री में प्रवेश कर गया। अपने ट्विटर में इसरो ने लिखा है, आज के ट्रांस लूनर ट्रांजिट के बाद चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा के बाहर हो गया है और आगे के सफर पर निकल गया है। चंद्रयान 2 के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है और लॉन्च होने के बाद से ही इसके सभी फंक्शन पूरी तरह से काम कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के दूसरे चंद्रयान लॉन्च किया था। तब से यह यान धरती की कक्षा में घूम रहा था। इसरो के अनुसार 20 अगस्त को यान चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद चांद की अलग अलग कक्षाओं में घूमते हुए 7 सितंबर को चांद पर इसकी लैंडिंग होनी है। लॉन्चिंग के बाद से इसरो अब तक 5 बार इसकी कक्षा में बदलाव कर चुका है। 5वां बदलाव 6 अगस्त को किया गया था। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से हैं, ऑर्बिटर लैंड विक्रम और रोवर प्रज्ञान। ऑर्बिटर साल भर चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम देगा, वहीं लैंडर और रोवर चांद पर उतरेंगे। इसके प्रयोग की अवधि 14 दिन की रहेगी। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस हिस्से में उतरेंगे जहां अब तक कोई यान नहीं पहुंचा है। चांद पर लैंडिंग के साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला 4वां देश माना जाएगा। वैश्विक स्तर पर एक बार फिर पाकिस्तान को झटका लगा है। कश्मीर पर किसी भी तरह की मध्यस्थता करने के अमेरिका प्रशासन ने इनकार कर दिया है। अमेरिका ने कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताया है। कश्मीरी मुद्दे पर अमेरिका ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने कह दिया है कि कश्मीर भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है और अमेरिका इसमें कतई दखल नहीं देगा। अमेरिका ने मध्यस्थता करने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन सिंगला ने कहा कि अमेरिका अपनी पुरानी नीति पर चलना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। राजदूत हर्षवर्धन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर भारत पाकिस्तान चाहते हैं कि वे मध्यस्थता करें तो वे मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन भारत का रुख साफ है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है जिस पर फैसला केवल दोनों देश कर सकते हैं। भारत का कश्मीर पर हमेशा से रुख स्पष्ट रहा है कि यह एक आतंकी मुद्दा है जिस पर किसी तीसरे देश का दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को किसी देश में तवज्जो नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन दौरे पर मदद मांगने गए थे, लेकिन वहां भी पाकिस्तान को निराशा ही हाथ लगी है। भारत को दुनिया के कई देशों से जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले पर समर्थन मिल चुका है। इस फैसले पर भारत का समर्थन रूस ने भी किया है।
जमात उल मुजाहिद का सदस्य और वर्धमान ब्लास्ट का आरोपी आतंकी जहीरुल शेख उर्फ जाकिर दो वर्षों से ठिकाने बदल कर रह रहा था। जांच एजेंसियों से बचने के लिए वह मोबाइल का बहुत कम उपयोग करता था। एनआईए की टीम 5 दिन पूर्व उसका पीछा करते हुए इंदौर पहुंची और सब्जी बेचने के बहाने ठेला लगाकर सकरी गलियों में रेकी की। जैसे ही जाकिर के आने जाने और ठहरने की पुख्ता जानकारी हाथ लगी, उसे धर दबोचा। धमाकों की जांच कर रहे एनआईए के इंस्पेक्टर दिवाकर मिश्रा आतंकी जहीरुल शेख की 4 साल से तलाश कर रहे थे। 2 वर्ष पूर्व जानकारी मिली कि वह इंदौर में छिपा है। करीब 2 महीने पूर्व इसके एक रिश्तेदार के मोबाइल में इसका भी नंबर मिला, लेकिन वह बार बार लोकेशन बदल देता था। कभी खंडवा रोड, नेमावार रोड और कभी आजाद नगर क्षेत्र में लोकेशन मिल रही थी। 5 दिन पूर्व मिश्रा की टीम इंदौर पहुंची और मीना पैलेस व कोहिनूर कॉलोनी में सब्जी का ठेला लगाकर शेख की रेकी करना शुरू की। सोमवार को पता चला कि वह शाकिर खान के मकान में ठहरा हुआ है। यह मकान पश्चिम बंगाल निवासी मेहरूल मंडल ने किराए पर लिया है। मंडल मकान बनाने के ठेके लेता है। शेख उसके पास मजदूर बनकर छिपा था। ईद पर लोगों की आवाजाही देख एजेंसी ने उसे कोहिनूर कॉलोनी में नहीं पकड़ा और उसके पीछे पीछे खंडवा रोड तक पहुंच गई। जैसे ही मौका मिला, उसे हिरासत में लेकर आजाद नगर थाने के सुपुर्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपके महाकौशल इलाके पर नजर इनायत कर लीजिए। मध्य प्रदेश में अधिकांश समय आपकी पार्टी की सरकार रही है और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके बदहाल हैं। इस बदहाली के लिए मध्य प्रदेश में रही सभी सरकारें बराबरी की जिम्मेदार हैं। ऐसे इलाकों के लिए ना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने कुछ किया और ना आप कुछ कर रहे हैं। आप तो हर जगह आ जा नहीं सकते, इसीलिए हम ही आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। ध्यान से देख लीजिए मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हमको भी और इन बच्चों को भी, जो रोज जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाते हैं। इस इलाके में लोग जीने के लिए रोज मौत की बाजी लगाते हैं। यहां सबसे ज्यादा समस्या बीमार व्यक्ति को होती है, जिसे कभी समय पर इलाज ही नहीं मिल पाता है और उसे नदी का बहाव कम होने पर इस तरह खटिया पर ही लाना पड़ता है। देश को आजाद हुए 70 दशक बीत चुके हैं, लेकिन इस इलाके के हालात जस के तस हैं। इसको सरपटंस हो गया सर, ये कल हुआ सर, लगभग 9 बजे 10 बजे के बीच में। सर इस बच्चे को ले जाना है, अब डॉक्टर के पास कहीं हॉस्पिटल ले जाते हैं? आप ले जा रहे हो उसको, मतलब नदी पार करके? कल स्थिति ये रहा कि बाढ़ था बहुत ज़्यादा, बाढ़ में पार नहीं हो पाया, इसलिए आज बाढ़ कम होने की वजह से फिर बाद में ले जा रहा। नहीं, वहाँ ब्रिज नहीं है, या ऊती आएंगे तो ऊती के लिए यहाँ बहुत बड़ी नदी है, वहाँ पुल पानी ज्यादा होने के कारण पार नहीं हो पाते हो। ये दास्तान बैतूल जिले की भैंसदेही की है। अब देख लीजिए भीमपुर ब्लॉक के उत्ती स्कूल के बच्चों के हाल। हर पल खतरा मोल लेकर ये बच्चे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। नदी का बहाव कम हो तो ये स्कूल पहुंच पाते हैं, लेकिन स्कूल जाने के लिए नदी से दो दो हाथ करना जरूरी है। आपके राज में इन छोटे छोटे बच्चों को कुछ सुविधाएं मिल पाएंगी? इस इलाके में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन यह एक पुल बनवाने के मामले में फेल साबित हुए। नेताओं को लेकर इस इलाके के लोग खुद को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। यहाँ के लोग विधायक से जब इस मामले की शिकायत करते हैं तो वो एक रस्म अदायगी के लिए चिट्ठी लिख देते हैं। इन बच्चों की चिंता ना नेताओं को है और ना ही अधिकारियों को। सर बच्चों को डेली यहाँ नदी तक आना पड़ता है, हम लोगों को पालकों को, और उनको नदी क्रॉस कराना पड़ता है। डेली का वही काम रहता है हमारा, बरसात के टाइम में कभी कभी तो 20-25 दिन तक स्कूल नहीं जाते वो। ये जो भीमपुर का वीडियो आया है, प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे दी है, तहसीलदार साहब, SDM साहब भी मौके पर जाने वाले हैं, और इसमें पूरा जो है प्राचार्यों को पहले से निर्देशित कर दिया है, प्राचार्य से भी बात हुई है कि अब ये स्थिति ऐसी नहीं आएगी। अधिकारियों की माने तो सभी स्कूलों के शिक्षकों को एवं संबंधित थानों में अधिकारियों को कहा गया है कि कोई नदी पार ना करे, लेकिन सवाल ये है कि अगर लोग नदी पार नहीं करें तो उनका जीवन कैसे चलेगा? बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और बीमार बिना इलाज के मारे जाएंगे। अब तक की सरकारें ग्रामीण किसान और आदिवासियों के लिए बातें बहुत करती रही हैं, लेकिन इस इलाके के लिए किया कुछ भी नहीं है। इनके हिस्से में अब तक सिर्फ आश्वासन आए हैं। कमलनाथ जी, अब बारी आपकी है, देखते हैं आप भी कुछ कर पाते हैं या नहीं।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को खलघाट हाईवे पर जाम लगा दिया। ये सभी सरदार सरोवर बांध भरने का विरोध कर रहे हैं। बांध भरने के कारण राजघाट पूरी तरह डूब में आ गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में दो लोगों की करंट लगने से मौत भी हुई थी। धार जिले के धर्मपुरी तहसील अंतर्गत आने वाले हाईवे पर डूब प्रभावित इलाकों के हजारों लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। सभी का कहना है कि अभी तक उन्हें अपना पूरा हक नहीं मिल पाया है और इसके पहले ही इन्हें इनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। कल बड़वानी में सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में एक बिजली के तार ने दो लोगों की जान ले ली थी। बिजली कंपनी की इस लापरवाही को लेकर भी लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। इन सभी परेशानियों के चलते लोगों ने मेधा पाटकर की अगुवाई में धार के खलघाट नेशनल हाईवे पर सरदार सरोवर बांध के कारण जाम किया और केंद्र सरकार को चेतावनी दी। नर्मदा के जिंदा दिल किसान मजदूर कुम्हार मछुआरे केवट सबको मौत के घाट उतारा जा रहा है। अच्छा। 50 दिनों में 139 मीटर तक यानी आज ही डाव डूबे हैं। निसरपुर का निचले बस्ती या और एकलवारा का निचला मोहल्ला या और राजघाट, तो ऐसी स्थिति में जब ये और 9 मीटर पानी चढ़ाने वाले हैं तब तो हजारों परिवारों की मौत ही सामने दिखेगी। ये कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है और इसीलिए हम NCA नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी जो निर्णय लेती है केवल गुजरात और केंद्र के दबाव में, उसके सामने मध्य प्रदेश सरकार लड़कर भी जीत नहीं रही है। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। खलघाट के टोल टैक्स के पास NH3 नेशनल हाईवे को नर्मदा घाटी के आंदोलनकारियों ने आज पूरी तरह से जाम लगा दिया। नर्मदा घाटी की नेत्री मेधा पाटकर का कहना है कि नेशनल हाईवे को हमने जाम इसलिए किया है ताकि हमारी आवाज दिल्ली तक जाए। मध्य प्रदेश सरकार हमारे साथ है। मध्य प्रदेश सरकार NCA में हमारी मांगे पूरा करना चाहती है, परंतु केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को आदेश नहीं कर रही है। हम पीड़ितों को NCA का लाभ नहीं मिला है, हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मीसाबंदियों के मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कांग्रेस को 370 से दिक्कत नहीं थी लेकिन मीसाबंदियों से है। उन्होंने कहा कांग्रेस मीसाबंदियों का भी सम्मान करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह मीसाबंदियों का सम्मान न करने पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है जिन्होंने 19 महीने जेल में काटे, इस दौरान उनके अनेक लोगों की जान भी गई, ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर रहे। परंपरा थी कि 15 अगस्त को उनका सम्मान करके हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। कुछ ऐसे मीसाबंदी भी हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों का सम्मान करने में भी कांग्रेस को दिक्कत है, लेकिन धारा 370 बनी रहे इसमें कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। 15 अगस्त को हम सभी उनका सम्मान करके वास्तव में लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार इस तरह प्रतिशोध की राजनीति कर रही है कि इसने ऐसे मीसाबंदी भी जो उम्र के अब अधिक ऊंचे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं उनके सम्मान में भी उन्हें परेशानी है। आपातकाल लगे, लोकतंत्र की हत्या हो, उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं है। धारा 370 कश्मीर में बनी रहे, लगी रहे, लोकतंत्र की वहाँ हत्या होती रहे, उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं। मीसाबंदियों का सम्मान हो इसमें परेशानी है, धारा 370 समाप्त हो इसमें उनको परेशानी। राकेश सिंह ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी की सदस्यता अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं। सभी जगहों पर हम लक्ष्य के आसपास पहुंच चुके हैं। सदस्यता अभियान की तारीख बढ़ाने पर उन्होंने कहा बारिश और बाढ़ के कारण लोगों को कठिनाई आई है, इस कारण सबको ध्यान में रखते हुए पूरे देश में सदस्यता अभियान 20 तारीख तक बढ़ाया गया है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईशान बिल्डर एंड डेवलपर की तरफ से 15 अगस्त और रक्षाबंधन के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। यंग पीढ़ी है, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि 15 अगस्त के दिन बढ़ चढ़ कर कहते कि वो खुशियाँ मनाए और देश के प्रति और आगे आए। आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और साथ में कामना करता हूं कि सभी देशवासियों का
सभी भोपाल वासियों का, सभी प्रदेश वासियों का, स्वयं का अपना आवास हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नमस्कार, मैं दिनेश गर्ग मयस एंटरप्राइज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और रक्षाबंधन के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कौटिल्य अकादमी भोपाल शाखा, छिंदवाड़ा शाखा और बालाघाट शाखा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। मैं सुधीर गुप्ता मधुरम ग्रुप की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मोदी जी ने सभी देशवासियों को जो धारा 370 35A की जो सौगात दी है, जिससे कश्मीर की तरक्की निश्चित है, वो सभी को इसका स्वागत करना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब तस्वीर मध्य प्रदेश के बदहाल की। जो तस्वीरें आप देखने वाले हैं वो विकास की बातें और वादे करने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये तस्वीर वो कड़वी सच्चाई है जो बताती है आम आदमी के टैक्स के पैसों से मजे करने वाले नेताओं और अधिकारियों को लोगों की मुसीबत से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी भले ही अपनी जान जोखिम में डालता रहे, इन्हें क्या, इनके तो ऐश ही चल रहे हैं। ये दृश्य भोपाल के बल्लभ भवन में बैठे मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों को समझ नहीं आएगा। उनको लगेगा ये एडवेंचर टूरिज्म है, लेकिन जनाब ये जिंदगी की जद्दोजहद की जीती जागती तस्वीर है। बड़वानी जिले में पानसेमल से 30 किलोमीटर दूर कामठिया नाला उफनने से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में विकास के दावे सरकार कितने भी कर ले, लेकिन धरातल पर भयावह हालात हैं। आजादी के 7 दशकों के बाद भी अगर ये हाल है तो हमें अपने नेताओं के बारे में विचार करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को चुनते क्यों हैं जो अपने इलाके में छोटे छोटे काम तक नहीं करवा पाते। बड़वानी जिले के पानसेमल अनुभाग में तार और रस्सी के सहारे नाला पार करते ग्रामीणों की बेबसी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। 4 गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि 70 वर्षों से सरकारें यहां तक एक छोटी सी पुलिया भी नहीं बनवा पाई। पुलिया नहीं होने के कारण उफनते नाले को तार और रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर लोग इस पार से उस पार हो रहे हैं। हर बारिश में गांवों और पानसेमल के बीच यह नाला सबको कैद कर देता है। इस कैद से बाहर आना है तो जान की बाजी लगानी पड़ती है। ग्रामीण 8 महीने जैसे तैसे यहां काम चला लेते हैं, लेकिन बारिश के 4 महीने इन पर भारी पड़ते हैं और इन्हें इसी तरह तारों के सहारे हवा में लटक कर नाला पार करना पड़ता है। नाले को पार करने के लिए ग्रामीणों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक तार और रस्सी बांधी है। इसी के सहारे ग्रामीण 100 फीट से अधिक लंबा उफनता नाला जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं, लेकिन बेशर्म सरकारों को इससे क्या। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हो या फिर अब कमलनाथ हो, ये गांव और किसान की बात जरूर करते हैं, लेकिन वहां विकास में इनकी कोई रुचि नजर नहीं आती।
एचपी गैस कंपनी के खाली सिलेंडर ले जा रहे ट्रक की अचानक सड़क पर दुर्घटना हुई और वो पलटकर गिर गया। बताया जा रहा है कि ट्रक एक अन्य गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। ट्रक की गति तेज थी जिसको वो नियंत्रित नहीं कर पाया और पलट गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। उमरिया मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर कोतवाली थाना अंतर्गत शाहपुरा मार्ग पर एचपी कंपनी के खाली गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक पलट गया। इस घटना में चालक महेश और क्लीनर धन्नू गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए 108 की मदद से अस्पताल ले जाया गया। बुधवार की सुबह 7 बजे हुए इस हादसे की मुख्य वजह ट्रक को अन्य गाड़ी को तेज रफ्तार से ओवरटेक करना बताया जा रहा है, जिसके बाद अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक भोपाल के विकास जैन का है, जो जबलपुर डिपो से सिलेंडर लेकर अनूपपुर जा रहा था। ग्रामीण पुलिस को नक्सलियों की मुखबिरी करते हैं, इसी शक में नक्सलियों ने ग्रामीणों के अपहरण करना शुरू कर दिए हैं। ग्रामीण को नक्सलियों के कहर का डर सता रहा है, जिस कारण ग्रामीण पुलिस में शिकायत तक नहीं कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा 5 ग्रामीणों के अपहरण किए जाने की सूचना आ रही है। हालांकि अभी तक ग्रामीणों के परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी है। बताया जा रहा है कि किरंदुल थाना क्षेत्र के गुमियापाल के 6 ग्रामीण युवती किरण कुंजाल, हुंगा मिडियाली, लालू मिडियाली, हुंगा मंडावी व 2 अन्य को बीती रात पुलिस मुखबरी के शक में अपहरण कर लिया गया। गांव वालों के अनुसार 20 से 25 की संख्या में नक्सली गांव में आए और इन चारों ग्रामीणों को अपने साथ ले गए। इन पर नक्सलियों ने पुलिस की मुखबरी करने का शक जाहिर किया है। 6 ग्रामीणों के अपहरण के इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। गाँव के सूत्रों से कि 2 दिन पूर्व रात 9:30 बजे नक्सली गांव में आके करीब 25 से 30 गांव वालों के साथ मारपीट किए हैं और करीब 6 ग्रामीणों को उठाकर ले गए हैं, जिसमें 1 महिला और 5 पुरुष हैं। उसमें 1 पुरुष को आज सुबह शायद छोड़ दिया गया है, बाकी 5 लोग नक्सलियों के कब्जे में हैं। ये सारी आसूचना के फॉर्म में है, अभी तक इसकी कोई पुष्टि करना संभव नहीं है, क्योंकि न तो किसी ग्रामीण ने आके न तो किसी परिजन ने आके अभी तक इसकी थाने में इतला किए। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये कोई कहानी नहीं है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, एक तरफ पुलिस थी तो दूसरी ओर नक्सली। इस गोलीबारी के बीच एक पुलिस वाले को अपनी नक्सली बहन सामने दिखाई दी। भाई बहन से कुछ कह पाता कि कवर फायरिंग का लाभ लेकर बहन नक्सलियों के साथ जंगल में ओझल हो गई। यह वाक्या सुकमा के बालकातोंग का है। नक्सल प्रभावित सुकमा में एक मुठभेड़ की खूब चर्चा है। यह मुठभेड़ किसी फिल्मी कहानी से कम भी नहीं है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भाई और उसकी सगी नक्सली बहन में भी मुठभेड़ हुई। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली जंगल में भाग गए। ये कहानी है नक्सली कमांडर बेटी रामा की, जो पहले नक्सली संगठन से जुड़े थे लेकिन अब पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियों की कब्र खोदने में लगे हैं। वहीं बेटी रामा की बड़ी बहन बेटी कन्नी अभी भी नक्सली संगठन के साथ ही जुड़ी हुई है। ऐसे में बीते दिनों 29 जुलाई को बालकातोंग में एक मुठभेड़ के दौरान दोनों भाई बहन का आमने सामने का मुकाबला हो गया। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग भी हुई लेकिन नक्सली बाद में फरार हो गए। बेटी रामा ने मुख्यधारा से जुड़ने के बाद कई बार बहन को भी समझाने की बहुत कोशिश की और बार बार पत्र लिखकर मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी बहन ने साफ कह दिया कि वह नक्सली संगठन के लिए ही काम करेगी और बार बार मुझे इस तरह के पत्र न लिखें। बीते 29 जुलाई को सुरक्षा बल के साथ बेटी रामा एक ऑपरेशन के लिए बालकातोंग नक्सल इलाके में गया तो अचानक उसकी बहन बेटी कन्नी दिखाई दी। करीब 200 मीटर दूर से रामा ने उसे पहचान लिया। कुछ बोल पाते कि इस बीच दोनों ओर से फायरिंग होनी शुरू हो गई और देखते ही देखते बहन आंखों के सामने गायब हो गई। ऑपरेशन के बाद बेटी रामा लगातार पता लगा रहे हैं कि बहन किस स्थिति में है। बेटी रामा पहले नक्सली संगठन से जुड़ा था लेकिन 13 अक्टूबर 2018 को हथियार के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राम ने करीब 23 साल तक नक्सली संगठन के साथ काम किया। उस पर पुलिस ने 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। वहीं उसकी बड़ी बहन भी कई सालों से नक्सली संगठन के लिए काम कर रही थी। दोनों भाई बहन गगनपल्ली के रहने वाले हैं। मां नर्मदा के पावन तट ककरा घाट से लगभग 17 किलोमीटर तक की पैदल कांवर यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर डमरू घाटी पहुंचकर पूजन अभिषेक किया। यह कांवर यात्रा भारी जनसैलाब के साथ ककरा घाटी के गाड़रवारा स्थित डमरू घाटी तक निकाली गई। तेंदुखेड़ा के विधायक संजय शर्मा के द्वारा विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी पुण्य सलिला मां नर्मदा के पावन तट ककरा घाट से लगभग 17 किलोमीटर तक की पैदल कांवर यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर डमरू घाटी पहुंचकर पूजन अभिषेक किया। यात्रा के दौरान गांव के लोगों द्वारा कांवड़ियों श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया गया। स्वल्प आहार
कराया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालु काफी उत्साह में नजर आए। श्रावण मास का यह आखिरी सोमवार था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कुछ दिन पहले कल्याण भाई मेरे से बोल रहे थे कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कश्मीर में, कुछ ऐसा फटने वाला है, बम बम। यो वहाँ पूरी मिलिट्री पहुँच रही है, वहाँ के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी वहाँ भेजा जा रहा है। मेरे को लग तो रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा होने वाला ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वो कल भैया राज्यसभा में बिल पेश हो गया, धारा 370 हटा दी अमित शाह ने। बताओ, ये सब बड़ा धमाका जो 70 साल से जो गलती चली आ रही थी उसको एक दिन में खटाक से इन्होंने निपटा दिया। और मैं बता रहा हूँ, इस पर कांग्रेस के नेता ऐसे बिल बिलाए फिर रहे हैं, इनमें कोई संपर्क नहीं बैठ रही। क्या बोलें, क्या सपोर्ट करें, इसका क्या करें। कुछ कांग्रेस के नेता सही बात बोल रहे हैं, बोले देश में ये अच्छा हुआ, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में एक ही कानून चलेगा। और वहाँ की बेचारी लड़कियाँ अगर दूसरी जगह शादी कर लेती तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं रहती थी। अब ये कोई लोकतांत्रिक चीज़ें हैं क्या? और वहाँ के कश्मीर के नेता बोल रहे हैं कि अलोकतांत्रिक फैसला है, ये है वो है, कोर्ट में जाएंगे। और मैं बता रही, ये सब भाई लोकतंत्र की चीज़ें थी क्या? ये किसी को विशेष अधिकार, किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। और मैं बता रही हूँ, अब क्या हो गया वहाँ, अब दिल्ली जैसा माहौल हो जाएगा वहाँ। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी, इनमें खूँ 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 चलती रहती है। वो एलजी पावरफुल रहेगा, हाँ उसकी चलेगी ज़्यादा, वो ताकतवर रहेगा। और पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी देश है, बेवजह चिल्लाया जा रहा है, भुनभुनाया जा रहा है, बिलबिलाए जा रहे हैं। अरे तुम्हें क्या लेना देना, ये हमारे देश का मामला है, हम कुछ भी करें। हाँ, हम चंद्रयान पे पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ भैया, तुम्हारे फाँके पड़ रहे हैं, पेट के जनता का इंतजाम करो, भूखो मर रहे हैं लोग उनका इंतजाम करो, उसके बारे में सोचो, हमारी चिंता मत करो, बेवजह फटे में टांग मत अड़ाओ। हाँ, बता रही हूँ। आजकल एक मोदी जी का फोटो चल रहा है, वो उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया था बहुत दिनों पहले। हाँ, वो फोटो बहुत दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, छाया हुआ है, बता रही हूँ। वो मैं बता रही हूँ, ये आदमी देखो, पहले दृढ़ संकल्प किया था इन्होंने धारा 370 हटाने का उस वक्त, और वो उन्होंने करके दिखा दिया, बता रहा हूँ। ये काम कहलाते हैं, बता रही हूँ। और पूरे देश में बता रही हूँ बाढ़ के हालात बने हुए, कई जगह बाढ़ आ रही है, बाढ़ में भी तिरंगा लेकर लोग खुशी मना रहे हैं। वे ऐतिहासिक काम हुआ है देश में बहुत सालों बाद, बता रहे हूँ। वो कांग्रेस के नेता तो ये थे फड़फड़ा रहे, बता रहे हूँ। वो फारूक अब्दुल्ला भाई बोल रहे, ये लोकतांत्रिक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और मैं बता रही हूँ, कई नेता को तो अभी जेल में ठूसे जा रहा है, उनके जो अपराध हैं, इनके जो मोनोपोली चल रही थी कश्मीर में, इनकी दुकानें चल रही थी, सबकी बंद होने वाली है। हाँ, मैं भी जाऊं भैया, मेरे भी दुकान खोलने का टाइम हो गया है। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.